नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है अडानी पावर लिमिटेड का। दोस्तों अडानी पावर लिमिटेड का शेयर कल यानी कि 1 अप्रैल 2021 को 89.30 रुपए पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों अडानी पावर लिमिटेड की बात की जाए तो यह एनर्जी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 22 अगस्त 1996 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वे हैं सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइंड पावर, एनर्जी ट्रेडिंग। और दोस्तों यह अडानी ग्रुप की कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है दोस्तों अडानी ग्रुप। और इसका जो प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों काफी जगह पर चल रहे हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, काफी जगह दोस्तों इसके जो पावर प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं। और दोस्तों इसका जो थर्मल पावर भी बनाता है दोस्तों, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 12,450 मेगावाट की है जो कि काफी अच्छी है। अडानी पावर लिमिटेड का ये मार्केट कैप की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप भी दोस्तों काफी बेहतरीन है, 344.42 बिलियन का है। तो दोस्तों आने वाले समय में अडानी पावर लिमिटेड में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और दोस्तों अभी दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना है, यानी कि जो भी नई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो रही हैं। पेट्रोल डीजल तो दोस्तों अब पुरानी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि जो फ्यूचर जो भविष्य है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। और जो भी कंपनियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही हैं, तो दोस्तों उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन पॉइंट्स की जरूरत होगी। जैसे कि दोस्तों अभी पेट्रोल डीजल के लिए हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उसी तरीके से दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पॉइंट बनेंगे। तो दोस्तों आने वाले समय में अडानी पावर लिमिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पॉइंट भी बनाएगा, और इसका नेटवर्क पूरे भारत में जैसे ही दोस्तों फैल जाएगा, अडानी पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का, तो इसका प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है यहां से। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं एलॉन मस्क की कंपनी है दोस्तों टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में नंबर वन कंपनी है। और उसकी एंट्री दोस्तों भारत में हो चुकी है, इंडिया में हो चुकी है। तो दोस्तों अब वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, तो उसको उसकी गाड़ियों के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पॉइंट की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो दोस्तों हो सकता है कि टेस्ला अडानी पावर के साथ बहुत बड़ी पार्टनरशिप कर ले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पॉइंट के लिए, या फिर दोस्तों इसके साथ कोई बहुत बड़ी बिग डील भी कर सकता है टेस्ला आने वाले समय में। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों अभी बजट में भी भारत सरकार के द्वारा एनर्जी सेक्टर कंपनियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, तो काफी पॉजिटिव है अडानी पावर लिमिटेड के लिए। और यहां से इसका स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जाने वाला है। और दोस्तों अडानी पावर का जो स्टॉक है वो मैं ये कहता हूं कि इंडिया में जो गांव से लेकर जो शहर तक के लोग हैं उन लोगों तक ने दोस्तों खरीदा होगा, क्योंकि अडानी ग्रुप दोस्तों बहुत ही बड़ा ग्रुप है, और उसके जितने भी शेयर्स हैं वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप अडानी पोर्ट्स को देख लीजिए, अडानी ग्रीन एनर्जी को देख लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी का, जो कि आप देख सकते हैं कि यही 3 से 4 साल पहले दोस्तों यही 20 से 25 रुपए के बीच में रहा करता था,
और अभी आप लोग देखिए कि अडानी ग्रीन एनर्जी का जो दोस्तों शेयर है वो कितना ऊपर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1160 रुपए के करीब चल रहा है। तो आप लोग अडानी ग्रीन एनर्जी का दोस्तों एग्जाम्पल देख सकते हैं कि उसने किस तरीके से छलांग लगाई। आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी 2018 में 30 रुपए के आसपास था, और 3 साल में ही दोस्तों आप लोग देख लीजिए 1160 रुपए के बीच में है। तो अभी ये अडानी पावर का दोस्तों शेयर आपको काफी सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। यहां से ये दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी की तरह ही बहुत लंबी छलांग लगा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं कि इसने दोस्तों 2010 में हाई लगाया है 145.90 रुपए का। तो यहां से बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न बन रहा है। आप लोग यहाँ पे पोजीशन बनाइए, अगर थोड़ा डाउन भी जाए तो वहां पे और भी ऐड कीजिए, जितना नीचे जाता जाए इसको ऐड करते जाइए, क्योंकि इसका जो फ्यूचर जो भविष्य काफी अच्छा रहने वाला है अडानी पावर का। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग अडानी पावर लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए, इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 4 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 4 से 5 साल में यह स्टॉक 632 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।